हाय, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आपने काफी सारी एक्सेसरीज भी गाड़ी पर लगा रखी है। Yes. ऑब्वियसली आप टूर कर रहे हो तो काफी ज्यादा चीजें आपको लेकर कैरी करके चलना होता है। क्या क्या चीजें आपने एक्स्ट्रा लगवाई है वो बता दीजिए प्लीज। तो ये एक्सेसरीज में मैंने टॉप बॉक्स शार्ड का 42 लीटर्स का है, तो आपको ये दिखा देता हूँ। इज क्वाइट हैंडी फॉर कीपिंग ऑल योर चेन लुब्रिकेंट्स या टायर एयर इन्फ्लेटर वगैरह है, क्लॉथ्स, छोटे निकनैक्स रख सकते हो। ये अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोज का लोड लेता है और ये रिमूवेबल है इस तरह से, सो यू कैन टेक इट एंड carry it with you to the room and अगर आप रूम से वापस आओ तो इसको can fix it back and you're ready to ride। उसके अलावा ये पैनियर्स के, इसको पैनियर रैक बोलते हैं, ये GV ब्रांड का है, तो इसके अभी बॉक्सेस लेने हैं। बट ये जो आप देख रहे हो ये बैग्स है, ये बीटविन के साइकिल बैग्स है, वाटर प्रूफ है। इसको मैं एज अ टूल कंपार्टमेंट यूज़ करता हूँ टूल किट्स के लिए। इसके अलावा मैंने पेग्स के बारे में बताया, तो फुट पेग्स जो है ये मोटरिन कंपनी के हैं, ऑफ रोड के लिए आप ये रबर माउंट निकाल सकते हो या यू कैन राइड इट विद द रबर माउंट, इट्स वेरी कंफर्टेबल टू स्टैंड अप एंड राइड। और इस तरफ अगर आप आ जाओ तो यहाँ एक GV का साइड स्टैंड एक्सटेंडर लगवाया है, सो इट्स वेरी गुड अगेन इन ऑफ रोड कंडीशन, जहाँ पे अनइवन सरफेस हो तो उसके लिए काफ़ी काम में आता है। उसके अलावा जो आप साइड सेंटर स्टैंड देख रहे हो और ये देख क्रैश गार्ड देख रहे हो यहाँ पर, दिस इज़ द कंपनी OEM पार्ट, बट ये ऑप्शनल एक्सेसरीज में आता है। दिस इज़ अगेन फ्रॉम प्रोस्पेक, दिस इज़ एन इंडियन कंपनी। दीज आर जस्ट सम थिंग्स आई पुट टू फर्दर प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज। उसके अलावा LED लाइट्स लगवाए हैं बाहर डिज़ाइन के, ये टूरिंग लाइट्स है, ये आपका स्क्रीन एक्सटेंडर है जो कि विंड डिफ्लेक्टर है, तो विंड को डिफ्लेक्ट करने, एक्सेसिव विंड को डिफ्लेक्ट करने के लिए रखा है। उसके अलावा ये मैंने फ़ोन माउंट डाला है, SP कनेक्ट ब्रांड का नाम है, सो दिस इज़ बेसिकली टू माउंट योर मोबाइल ईजिली, तो ईजी माउंट एंड माउंट ऑन। इसके लिए आपको एक सेपरेट केस लेना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड ऑफ फ़ोन, और ये पॉइंट्स को इससे अलाइन करके बस इतना ही करना है एंड इट इज़ डन। एंड व्हेन यू आर गेटिंग ऑफ द बाइक ट्विस्ट करके लेके रख दिया पॉकेट में। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव एडेड दिस, दिस इज़ क्रॉस बार, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टाइम इफ़ यू अनफॉर्चुनेटली हैव अ फॉल, आपके हैंडल बार को बेंड होने से बचाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ द स्विच फॉर द बाहर डिज़ाइन LED लाइट्स, ऑक्सिलरी लाइट्स, जो कि रात में बहुत ही ब्राइट है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव एडेड द सील सेवर्स, दीज आर एसेंशियली गुड, दे आर बेसिकली फॉर अपसाइड डाउन फोर्क। तो सर, आपने ये गाड़ी जो ली है कितना समय हो गया है कि आपने गाड़ी ली है? ये गाड़ी मैंने 2021 लास्ट ईयर नवंबर एंड में खरीदी थी, मतलब 4-5 महीने हो गए अभी कह सकते हो, या अप्रोक्सीमेटली 6 months। तो सिद्धार्थ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो बाइक है काफी रेयर है इंडिया में, मतलब V-Storm 250 तक लोग सोचते हैं, ये 650 है, तो आपका कैसे ध्यान गया कि यार मैं 650cc एक बाइक खरीदूं? करेक्ट, सो दैट्स क्वाइट अ गुड क्वेश्चन। सो एक्चुअली ऐसा था कि बेसिकली सुजुकी उसको ज़्यादा यू कैन से एडवर्टाइज करती नहीं है, ज़्यादा मार्केटिंग इस मोटरसाइकिल पे है नहीं उनका, बट जब मैं मोटरसाइकिल्स देख रहा था तो इससे पहले मेरे पास थी इंटरसेप्टर 650, और मेरा एक्चुअली क्या है, एक ओरिजिनली तो एक बजट था, तो बजट के बेसिस पे मैं रिसर्च कर रहा था कि अगर मेरा बजट 10-12 lakhs का है तो उस बजट में मुझे क्या क्या चीज़ें, कौन सी मोटरसाइकिल्स अवेलेबल है, और मैं जिस ग्रुप के मोटरसाइकिलिंग ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, सो इट्स एक्चुअली अ 12-year-old ग्रुप फ्रॉम पुणे, इट्स कॉल्ड फायर लॉर्ड्स। एसेंशियली 2012-13 के बाद जब बिग बाइक्स इंडिया में आना शुरू करी, तो काफ़ी ग्रुप में रॉयल एनफील्ड से लोगों ने शिफ्ट किया, फिर हिमालयन आई,
सो देर वर लॉट ऑफ ऑप्शन लाइक आई सेड कि जो हमारा ग्रुप है हम लोग काफ़ी ऑफ रोड भी करते हैं सो देर इज अ बंच ऑफ बॉयज हु डू लॉट ऑफ ऑफ रोडिंग देर इज अ बंच ऑफ बॉयज हु डू लॉट ऑफ टूरिंग ऑन द हाईवेज तो ये मिक्स एंड मैच वाला क्लब है सो मैंने सोचा कि यार क्या ऐसी बाइक हो सकती है जिसमें हम दोनों चीज़ करें व्हेन आई डिड माय रिसर्च तो ये गाड़ी का किसी ने जिक्र किया मुझे और उन्होंने बताया कि इट्स बेसिकली एन हाईवे टूरर इट्स अ स्पोर्ट्स टूरर तो जैसे आप नाम भी देखोगे इट्स इज वी स्ट्रॉम स्पोर्ट्स एडवेंचर टूरर बट ये एसेंशली हाईवे टूरिंग के साथ साथ माइल्ड ऑफ रोडिंग भी कर सकती है एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज इफ यू सी द स्पोक्ड एलॉय व्हील्स ये स्पोक्ड एलॉय एलॉय नहीं बोल सकता सॉरी स्पोक्ड व्हील्स है बट स्पोक्ड रिम्स जो है ये ट्यूबलेस है सो दैट एनहेंसेज योर कैपेबिलिटी ऑफ ऑफ रोडिंग अगर मतलब पंचर वगैरह सीन होता है तो भी आपके पास एक ट्यूबलेस टायर है यस थोड़ा रास्ता तय कर सकते हैं प्लस स्पोक्स है तो ऑफ रोडिंग के लिए एब्सोल्युटली बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू गेट ये एक मेन रीजन भी था मेरे लिए द ऑफ रोड कैपेबिलिटी एंड द स्पोक्ड व्हील्स विद ट्यूबलेस फैसिलिटी तो ये मेरे लिए काफ़ी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग था बाइक के लिए यस जो बैक सस्पेंशन जो कि एक मोनोलिंक सस्पेंशन है मोनोशॉक है तो इसमें हाई और लो का एडजस्टमेंट दिया गया है यहाँ पे नॉब यस सो यस इन दैट केस हाईवे स्टेबिलिटी बिकम्स अ बिग प्लस पॉइंट फॉर मी बिकॉज ऑफ द लॉन्ग व्हील बेस बस टर्न लेने में अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं टर्न लेने में थोड़ा बहुत आपको टर्न्स में डेफिनेटली थोड़ा सा वो ट्रेड ऑफ होगा ही इतनी आसानी से बाइक कॉर्नर नहीं कर पाएगी अर्गोनॉमिक्स मोटरसाइकिल की बिल्कुल आपके हाईवे टूरिंग को नज़र में रख के किया है सो दे हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज एनीवेयर ऑन द अर्गोनॉमिक्स व्हेन इट कम्स टू प्रीडोमिनेंटली टूरिंग ऑन द मोटरसाइकिल वेदर इट्स द सीट कम्फर्ट द टैंक कैपेसिटी कॉर्नरिंग ABS हो जाए या यू नो IMU सेटिंग्स हो जिसमें आप लीन एंगल सेंसिटिव बहुत सारे है वैसे बट वो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा बट बेसिक जो गाड़ी को लगता है एज अ फ्रंट एंड रियर ABS ड्यूअल चैनल ABS ऑल्सो ट्रैक्शन कंट्रोल है गाड़ी में सो देर आर थ्री स्टेजेस देर इज ऑफ रोड स्टेज जिसमें आपका ट्रैक्शन बंद हो जाता है विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑफ रोड स्टेजेस में दिया है यस देन देर इज लेवल वन जो बेसिकली रोड राइडिंग के लिए तो ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं होता है ट्रैक्शन कंट्रोल का एंड देन देर इज लेवल टू विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव तो वो बेसिकली आपके मानसून स्लिपरी रोड्स पे जब आप चलाते हो तो वो ऑप्शन टू है लेकिन यस यस इफ इट इज बेसिकली मानसून के टाइम पे वो यूज होता है राइट सो आपने कहा टैंक कैपेसिटी काफ़ी अच्छी कितना टैंक है और आपको कितना रेंज मिल जाता है तो ये है 20 लीटर का टैंक यस जिसमें यस इट्स क्वाइट गुड कैपेसिटी अंदाजन जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरी स्टाइल ऑफ राइडिंग के हिसाब से आई गेट एनीवेयर बिटवीन 400 टू 450 किलोमीटर्स टूर्स तो चलते ही रहते कुछ ना कुछ प्लान होता ही है तो मैं इस टूर के लिए आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना समय दिया थैंक यू फॉर हैविंग मी